please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात के बनासकांठा में गाड़ी रोकने पर गुस्साए आदमी ने पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ा दी। वो जो कि फरार मालिक युग तुल्ली को पत्नी के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर देखा गया। मुंबई के कमला मिल्स हादसे में फरार आरोपी अभिजीत के करीबी को गिरफ्तार किया गया। कमला मिल्स हादसे में के फरार आरोपियों की तलाश में 7 टीम लगाई गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी पुलिस मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई। वाराणसी में मुस्लिम उलेमाओं ने लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यापारियों ने जबरन सामान सील करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम के अधिकारी अब ड्रेस कोड में नजर आएंगे। मुख्तार अंसारी के समर्थक ने उन्हें जेल में जहर देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वीरेन देव दीक्षित की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में साइड न देने पर कार सवार लड़कों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लोगों से बदसलूकी के बाद गांव वालों ने दारोगा का घेराव किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक लड़के को चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में फोन पर तलाक देने का मामला सामने आया। बरेली के बीएसपी नगर पालिका अध्यक्ष समेत 500 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। देश के टॉप 3 पुलिस स्टेशन पर चुने जाने पर लखनऊ के गुडुम्बा थाने में जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक आदमी ने विराट कोहली के कम रन बनाने से दुखी होकर खुदकुशी कर ली। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस ने दिव्यांग को प्रताड़ित करने के 5 आरोपी गिरफ्तार किए। मध्य प्रदेश के रतलाम में फर्जी बाबा ने करोड़ों का लालच देकर एक आदमी से 36 लाख रुपए ठग लिए। भारत के आचल ठाकुर ने स्कीइंग में देश को पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाया। अल्जीरिया में सहारा के रेगिस्तान में 16 इंच तक बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। बजट से पहले पीएम मोदी आज अर्थव्यवस्था सुधार के लिए अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे। नोटबंदी जीएसटी के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने 2018 में विकास दर 7.3% रहने का अनुमान जताया। यूएस के H-1B वीजा पॉलिसी में बदलाव से इनकार के बाद लाखों भारतीयों को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से निर्भया फंड के इस्तेमाल पर जानकारी मांगी। पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन में देर रात भीषण आग लगी, सफर तफरी मच गई। पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन के 6 बोगी आग में बुरी तरह से झुलस गए। गनीमत रही कि जिस वक्त पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन में आग लगी थी उस वक्त ट्रेन खाली थी। रोक के बावजूद जिग्नेश मेवाणी ने रैली पर सरकार पर दलितों को दबाने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए। बिहार में सांसद वीणा देवी ने नायक फिल्म की तर्ज पर सबक सिखाने का दावा किया। एक दिन अनिल कपूर को रोल दे दे, तब हम देखिए कि क्या हाल करते हैं सब। लाल किला कवि सम्मेलन का न्योता न मिलने पर कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर तंज कसा। इस बार लगता है कि शायद सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे दर्शकों में भी झेल सके। एक पत्रिका में विवादित लेख लिखने पर कमल हासन को वाराणसी कोर्ट में तलब किया गया।
पंजाब के फरीदकोट में किसान ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। चारा घोटाले मामले में रांची की जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की ठंड लगने से तबियत बिगड़ गई। हरिद्वार में एमएलए सुरेश राठौर ने शादी के कार्ड पर उत्तराखंड सरकार का लोगो लगा दिया। सेना में भर्ती के दौरान बिहार के सासाराम में भगदड़ में एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड में बेघर हो गए परिवार के 10 दिन के बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह पर महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध शराब दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की बस्ती में सांपों को सुरक्षित बचाने वाले आदमी की ही सांप के काटने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग सेक रही 3 लड़कियां झुलस गईं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। राजधानी दिल्ली में आज भी सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति को रिपब्लिकन गार्ड का घोड़ा तोहफे में दिया। कोरियाई देशों के बीच हुई बातचीत के बाद उत्तर कोरिया विंटर ओलंपिक में अपनी टीम भेजेगा। पीएम मोदी ने स्कीइंग में पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने पर आचल ठाकुर को बधाई दी। जेनिफर लापता पीएचडी छात्र मुकुल जैन की तलाश में पोस्टर लगाए गए। केंद्रीय विद्यालयों की प्रार्थना पर आपत्ति वाली पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा। चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 9 आरोपियों की आज पटना सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। इसरो 12 जनवरी को अपना 100वां सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। कोलकाता में होने वाले ग्लोबल बिजनेस समिट में इस बार 10 नई कंपनियां शामिल होंगी। हिमाचल के पावटा साहिब में कोहरे की वजह से स्कूलों को बंद किया गया। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने परिवहन कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। कश्मीर की इंशा मुश्ताक ने हिंसा में अपनी आंखें गंवाने के बाद भी 10वीं की परीक्षा पास की। उत्तराखंड सरकार ने मृतक प्रकाश की पत्नी को सरकारी नौकरी और 12 लाख सहायता की घोषणा की। दिल्ली के 44 घोड़ों गधों में ग्लैंडर्स पॉजिटिव बीमारी होने के बाद आपात बैठक हुई। कच्चे तेल की कीमत में इजाफे से दिल्ली में डीजल रिकॉर्ड 60.66 रुपए पर पहुंचा। शिवसेना ने 2G और अगुस्ता घोटाले में कांग्रेस को घेरने पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके बॉक्सर लखा सिंह के बुरे हालात के कारण मदद की गुहार उन्होंने लगाई। पुलिस मुठभेड़ में एक नागरिक के मारे जाने के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा का बहिष्कार किया। आंध्र प्रदेश सरकार जन प्रतिनिधियों के बच्चों की सरकारी स्कूल में पढ़ाई अनिवार्य करेगी। चीन ने पाकिस्तान में चाबहार बंदरगाह पर सैन्य अड्डा बनाने की खबर को गलत बताया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मकड़ी को जलाने की कोशिश में घर में ही आग लग गई।